नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। उद्यमेश्वर तंत्र में कई तंत्रों पर हम लोगों ने बात किया है। आज जिस यक्षिणी की हम बात कर रहे हैं वो सबके लिए तो लाभकारी नहीं है, लेकिन जो कलाकार वर्ग के लोग हैं उनके लिए यह यक्षिणी बहुत ही लाभप्रद होती है। इनका नाम ही है कलाकारिणी। ठीक है, कलाकारिणी यक्षिणी के बारे में बोला जाता है कि इनके कर्ण पे कला विराजती है। तो जब ये यक्षिणी आपको सिद्ध हो जाएगी तो आपको कानों में कला का अनुभव होगा, जिसका मतलब ये होता है कि आपको आइडिएशंस होंगे कि आपका कला कैसे अच्छा हो। ठीक है, तो उद्यमेश्वर तंत्र का ही ये एक भाग है कलाकारिणी यक्षिणी का। और जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैं और सारी यक्षिणियों के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, जैसे सरस्वती यक्षिणी, लक्ष्मी यक्षिणी, हाँ नटी यक्षिणी, जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके लिए, तो ये कलाकारिणी यक्षिणी है। तो कलाकारिणी यक्षिणी अगर आम जनमानस जो कि किसी कला के क्षेत्र से संबंधित नहीं है वो भी करते हैं, तो एक इसका बड़ा बढ़िया असर है कि बहुत लोग बोलते हैं कि किसी भी काम में हाथ डालते हैं वो काम खराब हो जाता है, वैसे लोगों को इस यक्षिणी की साधना करने से ये लाभ होगा कि वो सारे काम जो नहीं हो रहे थे वो होने लगेंगे। ठीक है, और ऐसे भी जब यक्षिणियाँ पास होती हैं ना तो पावर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो खुद ब खुद बढ़ता है, धन धन धान्य जो है ये बढ़ने लगता है। तो क्योंकि ये प्रेत योनि की यक्षिणी है तो इसके लिए आपको जो यक्षिणी यंत्र होता है वो साथ में रखना पड़ेगा। इसका जाप सिर्फ यक्षिणी माला से हो सकता है। आसन आपका सिद्ध होना चाहिए, जब ये आएंगी तो इनके लिए यक्षिणी का श्रृंगार होना चाहिए, आपके पास रक्षा सूत्र होना चाहिए, चिरमी का आपके पास दाने होने चाहिए ताकि आप उठ करके जा सकें, और साथ में एक गुटिका होती है वो आपको लगेगा। ठीक है, इनका जाप कैसे करते हैं, किसी अच्छे स्थान पर, मतलब जैसे भले ये प्रेतियों की है लेकिन देव है, तो किसी अच्छे स्थान पर वो आपके आपका पूजा घर भी हो सकता है, उसमें 10,000 इनके माला का जाप करना होता है, मतलब इनके इनके मंत्र का 10,000 जाप करना होता है। और उसके बाद दूब को शराब में डुबा करके इनका दशांश हवन करते हैं। अगर दशांश संभव नहीं होता 10,000 का तो 100 गिनती मात्र 100 बार आप दूब लेंगे, उसको शराब में डुबाएंगे और उसके बाद उससे हवन करेंगे। मंत्र सुनिए, ओम हुम कलाकारिणी ठह ठह स्वाहा। ओम हुम कलाकारिणी ठह ठह स्वाहा। एक बार फिर से सुनिए, ओम हुम कलाकारिणी ठह ठह स्वाहा। तो अब आप लोग ये बोलिएगा कि अब ये कलाकारों के लिए है तो ये आम जनमानस को कैसे लाभप्रद है, कैसे आप बोल रहे हैं कि जिसका काम रुक रहा है उसका काम हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि जो भी काम व्यक्ति जीवन में करता है ना वो काम एक कला ही होता है। ठीक है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, मान के चलिए आप इंजीनियर, आप ब्रिज बनाते हैं आपको जॉब चाहिए, या आप कंप्यूटर बनाते हैं आपको जॉब चाहिए, तो कंप्यूटर समझना और कंप्यूटर का प्रोग्राम रचना या कंप्यूटर के हार्डवेयर को ठीक करना वो अपने में एक कला है। अगर हम तंत्र कर रहे हैं तो तंत्र हमारा कला है, मतलब आप जो भी काम को करते हैं ना वो काम ही आपका कला होता है। दैट इज़ दी आर्ट गॉड हैज़ गिवन इन योर हैंड, आपके हाथों में भगवान ने वो कला दी है। तो उस कला में जब वृद्धि होती है और साथ में इस यक्षिणी के रहने से आपके अट्रैक्शन में वृद्धि होती है, मतलब मैंने जो पहले आप लोगों को बताया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग किसी को देखते हैं और देख के लगता नहीं यार इससे आज के बाद बात नहीं करना है, तो वो क्यों होता है, जैसा पहले आपको बता चुका हूँ मैं, वैसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों का ऑरा मिसमैच होता है, या फिर आपके ऑरा में इतनी नेगेटिविटी होती है कि कोई आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो इस यक्षिणी को सिद्ध करने के बाद वो चली जाती है। ये आसपास जब रहेगी तो बहुत पॉजिटिव आपका एनवायरनमेंट रहता है, आपका जो पावर ऑफ अट्रैक्शन है हाँ वो पावर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। दूसरा, आप अपने जॉब में नया नया क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ला सकते हैं। ठीक,
अब बाकी बचा इसका जो सामग्री है, ये आम पूजा दुकान में नहीं मिलेगा, लेकिन खोजने पे सब कुछ मिलता है। ना मिले तब फिर मुझे आप संपर्क करना, मैं आपके लिए उपलब्ध करा सकता हूँ इन सब चीज़ों को। इसके अलावा जिनको तंत्र सीखना है, वो मेरा एक ग्रुप है अभी बेसिक तंत्र का, एडवांस ग्रुप बना के मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि लोगों को बेसिक्स नहीं आ रहे थे। तो बेसिक तंत्र है वो 2 महीने चलेगा, उसके बाद एक बार मीटअप होगा और उसके बाद एडवांस लेवल का कोर्सेज चलेगा। तो आप लोग बेसिक लेवल में आप जुड़ सकते हैं अगर सीखना चाहते हैं तो। मेरा एक किताब है हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, आप लोगों में से जिनको भी भूत प्रेतों से बात करना या मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कैसे उनसे संपर्क किया जाता है ये जानना है, तो आप उस किताब को खरीद सकते हैं पूरी दुनिया में, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या किसी से भी। मुझसे डायरेक्ट बात करना है तो आपको पता है कि कॉल मी फॉर ऐप है, ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च करिएगा और आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पे आप मेरा अपॉइंटमेंट सीख कर सकते हैं, बहुत अर्जेंसी हो तो मेरा व्हाट्सएप भी है। हाँ, अंतिम बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जितना इस चैनल का व्यूज़ है उसका 10% भी इसका सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, यक्षिणी का कृपा आप पे बना रहे, आप बहुत ही धनधान्य से परिपूर्ण हो, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग खा।